वापस से आपका स्वागत है कोडिंग की एक मजेदार दुनिया में। और आज की इस वीडियो हम बनाने वाले रियल टाइम जीपीएस ऐप। तो इस ऐप से हम किसी भी मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। तो बहुत इजी ऐप है और बहुत बढ़िया ऐप है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए जो आप वीडियो में आगे जाके जान जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस ऐप की वर्किंग दिखा देता हूँ। तो जो भी यूजर आएगा वो इस स्क्रीन पर सबसे पहले रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो उनको क्या करना होगा, इस स्क्रीन पर टैप करना होगा। तो जब वो इस स्क्रीन पर टैप करेंगे तो उनको ये एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि यू आर लीविंग दिस ऐप। तो हमको हाँ लीव करना है ऐप को, क्योंकि हम एक दूसरी एक्सटर्नल वेबसाइट पर जा रहे हैं। तो हम कंटिन्यू दबा क्लिक कर देंगे उसके। तो जब आप लिंक ओपन करोगे तो आप वो इस कुछ ऐसी साइट पर आ जाओगे, तो रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो आपको क्या कहते हैं, पहले इधर जो मैंने जैसे अकाउंट ऐड कर रखे वो मुझे नाम पता चल जाएगा, और उसका फिर क्या कहते हैं हमको फोन की हम लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। तो इधर आपको नीचे सारा डाटा दिख जाएगा, एड्रेस, स्टेटस, एल्टीट्यूड, एंगल और भी बहुत सारी चीजें हैं। बाकी हम क्या कहते हैं, इधर फॉलो में जाके हम वो भी देख सकते हैं कि मैप्स में हम इसको देख सकते हैं, जिसको हम जूम भी कर सकते हैं। आपको अच्छे से पूरा लोकेशन हम ऐसे किसी भी मोबाइल की ट्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे क्या कहते हैं हम ये वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि मैंने ऐड कर कैसे करा अकाउंट को, उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं मतलब इसको वर्क कैसे करता है ये, तो ये सब हम देखेंगे। पहले आपको अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, और उसमें आपको फिर जीपीएस ट्रैकर सर्च करना है। तो आपको एक जीपीएस ट्रैकर नाम से ये ऐप मिल जाएगा, तो इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह से एक स्क्रीन दिखेगी, जिसमें जब आप स्टार्ट ट्रैकिंग क्लिक करोगे तो आपको एक एरर मैसेज शो होएगा। ये एरर मैसेज आपको शो हो रहा है, जिसमें लिखा है कि प्लीज़ ऐड योर डिवाइस IMEI टू अकाउंट। तो आपको जो आपका आपके डिवाइस का IMEI नंबर है उसको आपको अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका आपके डिवाइस का IMEI नंबर कौन सा है वो आप सेटिंग्स में जाओगे, तो आपको इधर डिवाइस IMEI क्या कहते हैं नंबर आपको पता चल जाएगा। अब इसको आप अकाउंट में कैसे ऐड करोगे तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको gpsserver.net नाम से इस साइट पर आपको आ जाना है, और फिर आपको इस लॉगिन वाले आइकन बटन पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी आप ये मेरा पेज लोड हो रहा है, तो आप इस क्या कहते हैं स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट है तो फिर आपके लिए और बढ़िया बात है, लेकिन मैं आपको अकाउंट से क्रिएट करने पे बताता हूँ। तो आप क्रिएट अकाउंट पे जाओगे और आपकी जो भी ईमेल है उस वो ईमेल इधर आप टाइप कर दोगे। तो अब इधर मैंने मेरी जो ईमेल आईडी थी उसको इधर एंटर कर दिया, और मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा। तो आप जब रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो इधर आपको एक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल के नाम से आपको एक क्या कहते हैं पॉपअप सा मिल जाएगा, मतलब आपको जो बता देगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब आपको क्या करना है, अपने लॉगिन पर जाना है, और इधर जो आपकी ईमेल थी एक तो वो डाल देनी है, और आप जो क्या कहते हैं सॉरी मैंने ईमेल डाल दिया। और आप जब आप अपनी उधर जाओगे, आप इस ईमेल पे जाओगे जो आपने ईमेल इधर एंटर करी है, उधर जो ये साइट है जीपीएस सर्वर, इधर से आपको एक मेल आएगी, तो उसमें आपका ईमेल और क्या कहते हैं पासवर्ड होगा। तो आप वहां से जाके जो पासवर्ड है उसको एंटर कर लो। अब मैंने मेरा पासवर्ड एंटर कर दिया, और अब मैं लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करूंगा। तो जब आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आप एक स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो अभी ये मेरा जो पेज है वो लोड हो रहा है। तो अब आप ऐसी सी एक स्क्रीन पर आ जाओगे। तो अभी इधर जो अभी हमने देखा था ना IMEI जो हमारे डिवाइस का नंबर था, अब हमको वो ऐड करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको एक ये बटन दिख रहा होगा एड ऑब्जेक्ट का बटन है, इसको आप क्लिक करोगे। तो सबसे पहले आपको नेम डालना, जैसे मैं मेरा नेम डाल देता हूँ इधर राघव, जो आपकी मतलब डिवाइस का आपको नाम रखना है, और जो आपका IMEI नंबर था वो इधर लिखना है, और फिर इधर सेव पर क्लिक कर देना।
आप जो स्टार्ट ट्रैकिंग वाला ऑप्शन था वो इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कोई भी एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं होएगा और आपकी जो इधर एक मैसेज आ जाएगा कि ट्रैकिंग इज स्टार्टेड। तो ये हमारा इससे हो रहा है कि जो हमारा IMEI नंबर था हमने ऐड कर दिया और ये सक्सेसफुली ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आपके डिवाइस का GPS है वो ऑन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये वाईफाई वाला साइन तो ग्रीन हो गया है और इधर मेरी लोकेशन भी ट्रेस होना स्टार्ट हो गई है। तो मेरी लोकेशन अभी इधर शो हो रही है। तो अभी हमारा जो ऐप है बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो अब हम हमारे कोडोटो प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो ये मेरा ऐप है। अब हम एक ऑन इवेंट ब्लॉक इधर प्लेस कर देंगे और ऑन इवेंट में जब मैं डाल दूंगा कि जो हमारी स्क्रीन है ये पूरी की पूरी स्क्रीन कहीं पे भी क्लिक होए, तो स्क्रीन 1 मैंने डाल दी है। तो हमको क्या करना है, हम एक URL ओपन कर रहे हैं तो इसलिए हम ये ओपन URL ब्लॉक यहाँ से ले लेते हैं। पर हमको कौन सा URL खोलना है, ये जो हमारा server 3.20 है इसका आप URL कॉपी कर, आप क्या कहते हैं, सॉरी ये गलती से विंडो खोल, तो आप इस URL को कॉपी कर लो और इधर आके पेस्ट कर दो, इधर आप इसको पेस्ट कर दो। तो अब ये हमारा जो ऐप है पूरा सही से बन गया है। और मैंने आपको जो GPSServer.net पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद अपना IMEI नंबर डिवाइस का कैसे ऐड करेंगे, फिर लोकेट कैसे करेंगे, ट्रेस कैसे करेंगे, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। लेकिन अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके पूछ लो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब भी करा तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे चैनल की सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।